नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मथुरा की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड बेडमी पूरी और आलू की सब्जी। दोस्तों, ये आगरा से लेकर मथुरा तक की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप कभी भी वहाँ पे जाएं तो इसको खाना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं कि आप इसे खा नहीं सकते, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेडमी पूरी से। तो इसके लिए हमने करीब 1.5 कप उड़द की दाल ली है और इसको 4-5 घंटे पहले भिगो कर तैयार कर लिया है। अब इसको अच्छे से हमने धो लिया है और इसे बारीक पीस लेते हैं। दाल हमारी पीसकर तैयार हो चुकी है, तो इसके बाद हम एक गहरा बर्तन लेंगे और उसमें करीब 2 कप हम गेहूं का आटा डालेंगे और इसी आटे में ये पीसी हुई दाल को मिला देंगे। इधर कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने। ये सौंफ है, ये काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची है और ये मेथी दाना है। इसके अलावा जीरा है और ये खड़ा धनिया है। अब इस मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे। हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है और अब इसको हिलाकर इलायची के जो मोटे छिलके हैं इनको बाहर निकाल देंगे और इस मसाले को इस आटे में मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। और करीब 2 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच के लगभग इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब अंदाज से इसमें नमक डालेंगे और करीब 2 चम्मच के लगभग इसमें हम मोयन डालेंगे। शुरुआत में हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, पहले इसको इसी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई दाल डाली है तो अपने आप में ये आटा खुद ही गीला है। पहले हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें दाल की पीठी अलग से भी मिला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दाल मिलाने से इसमें दाल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रहे हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर हल्का सा इस आटे को फिर से मसल लेंगे। अब आटा हमारा चिकना हो चुका है, अब इसको एक साइड में रखेंगे और सब्जी बनाना शुरू करेंगे। बेडमी पूरी के साथ आलू की सब्जी का बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब मैं कढ़ाई में गर्म होने के लिए ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक डालेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम चला देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा दूर होगा तभी हम इसमें कटे हुए टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसको डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तेल मसाले से सेपरेट होने लगा है तो अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे।
ये मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसको हाथों से फोड़कर हम डालेंगे। इन आलुओं को ऐसे ही तोड़कर डालना है, इन्हें चाकू से बिल्कुल नहीं काटना है। इसके टुकड़े बहुत छोटे या बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। अब इस आलू में हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अंदाज से नमक मिलाएंगे। अब सारी चीजों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। थोड़ा पानी इसमें हम और मिलाएंगे। इस सब्जी की खासियत होती है इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है। अब कुछ देर इसको हम ढककर पकाएंगे। अब खोल कर देखते हैं इसको। अब इस सब्जी में बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। सब्जी हमारी पक चुकी है तो अब हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। ये सारी चीजें हमको सब्जी पकने के बाद ही डालनी है। और अब हम हाथों से क्रश करके इसमें कसूरी मेथी मिलाएंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इस सब्जी से, बहुत ही बढ़िया। और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब हम लास्ट में इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। अब हमारी ये आलू की टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको हम एक साइड में कर देते हैं और चलिए अब हम बेड़मी पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हम लोइयां काट के तैयार करेंगे। इसके लिए आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब हम चकले में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर लोइयां काट लेंगे। लोइयां काट कर हमने तैयार कर ली हैं, तो अब एक एक लोई लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक पूरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी पूरी भी बनाएंगे, इसमें भी सूखा आटा लगाएंगे और इसे भी बेलकर तैयार कर लेंगे। सेम मेथड से हम सारी पूरियां बेलकर तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब एक एक पूरी हम इसमें डालते जाएंगे और इन्हें उलट पलट कर अच्छे से सेंक लेंगे। बहुत हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करना है हमें। अब इन्हें हम उलट पलट कर अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए हमारी ये पहली पूरी बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम इसी कढ़ाई में दूसरी पूरी भी डालेंगे, इसे भी हल्का प्रेस करते हुए उलट पलट कर सेंक लेंगे।
इसी तरह हम सारी पूरियां सेकेंगे। ये हमारी दूसरी पूरी भी बनके तैयार हो चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बारी बारी से एक एक पूरी इसमें डालते जाएंगे और सेंक कर बाहर निकालते जाएंगे। हमारी आलू की सब्जी भी तैयार है और पूरी भी तैयार है, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और मैं ठीक वैसे ही इसको सर्व करूंगी जैसे कि ये बाहर मिलती है। तो मैंने एक दोना लिया है और एक पूरी उसमें रखी है, और अब इसमें मैं गर्मा गर्म ये सब्जी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखने से ही बहुत ही टेस्टी लग रही है, और अब तो भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। ऐसा लग रहा है मानो आगरा या मथुरा में खड़े हैं हम। तो अब मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और घर बैठे इस रेसिपी का मजा लीजिए। तो मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।